उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा सांसद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बता दें कि उत्तराखंड राज्य के 3 राज्यसभा सीटों में से 1 राज्यसभा की सीट 2 अप्रैल को खाली हो रही है, जिस पर वर्तमान समय में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी काबिज है। खाली हो रही राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा प्रत्याशी नामित किया गया है, जिसके बाद आज विधानसभा पहुंचकर महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन के दौरान महेंद्र भट्ट ने सभी विधायकों को आभार व्यक्त किया। भट्ट ने कहा कि जो उम्मीद राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन पर जताया है, उन उम्मीदों पर वो खरे उतरने की कोशिश करेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर पार्टी हर कार्यकर्ता के लिए रोल तय करती है, तो भविष्य में पार्टी के द्वारा जो जो रोल होगा वह सब रोलों पे खरा उतरा जाएगा। हम लोगों का सभी का एक ही लक्ष्य है कि उत्तराखंड की जनता के कल्याण के लिए काम करना, उत्तराखंड की जनता के भले के लिए काम करना। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि आगामी दशक जो है वह उत्तराखंड का हो, उसको चरितार्थ करने में, उसको साकार करने में हम महेंद्र भट्ट जी, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी सब लोग मिलकर कार्य करेंगे। और मैं अपने नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, और मुख्य रूप से जिनकी सीट रिक्त हो रही है वो मेरे मार्गदर्शन के लिए हमेशा मेरे साथ हैं, आज मेरे नामांकन में आए, उनका मैं स्वागत करता हूँ। आप सब पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी विधायक, 4 सीटों में जो अपना नामांकन भरा है, सभी विधायकों ने प्रस्तावक के रूप में उनका आगमन, उनके प्रति मैंने आभार व्यक्त किया है। मित्रों, ये दायित्व एक कार्यकर्ता को दिया है और मैं देवभूमि के सीमांत क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस भाव के साथ नेतृत्व ने मुझे दायित्व दिया है, मैं प्रयास करूँगा देवभूमि के उस सारे विषय जो विषय की सदन के उस मंच पर रखे जा सकते हैं उनको रख कर और राज्य के विकास के लिए मैं भी एक सहायक के रूप में दिखाई दूँ। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री के हृदय में उत्तराखंड वास करता है। अभी तक उत्तराखंड के लिए जितनी भी योजनाएं हुई हैं वो अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करती हैं, तो मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करते हैं विश्वास के साथ आगामी दिनों में आप सबके सहयोग से इस राज्य के विकास पर काम करेंगे। मैं अनिल जी को भी विश्वास, अनिल जी मेरे पक्ष में हमारे जय कमटा सांसद यहाँ पर हैं, दूरज क्षेत्र के सांसद हैं। मैं अनिल जी को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने दिशा दी है वो इस राज्य के विकास की दिशा है और मेरा मार्गदर्शन करते रहे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत अनिल जी की क्या रोल तय करने वाले हैं आप लोग? हर कार्यकर्ता का रोल मेरा नेतृत्व तय करता है। हर कार्यकर्ता के लिए काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये हमारा पार्टी का नेचर है। हर व्यक्ति का उपयोग समय के आधार पर। मैं सबसे पहले तो जो केंद्रीय हाईकमान ने, हमारी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जो माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम का राज्यसभा के लिए चयन किया, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और ये हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मैं कहूं उत्साह, प्रोत्साहन और गौरवान्वित करने वाला पल है कि हमारी पार्टी में एक बहुत नीचे से आए हुए कार्यकर्ता हो, जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने समाज का काम, पार्टी का काम शुरू किया, वैसे ही हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, एक मतलब जो हमारी सबसे निचली इकाई होती है, उस निचली इकाई संगठन मंत्री के रूप में, पूर्णकालिक के रूप में, युवा मोर्चा में, भाजपा में, विद्यार्थी परिषद में, अनेक सारे संगठनों में काम किया और वो सारा अनुभव अब आने वाले समय हमारी पूरी जनता के लिए, प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए काम आएगा। निश्चित रूप से कार्य का विस्तार होगा और कहीं ना कहीं ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो सामान्य रूप से सब लोग आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, उन सब को भी अपनी बात केंद्र तक पहुंचाने में बहुत आसानी होगी। केंद्र के साथ समन्वय करेंगे, हमारे राज्य के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को राज्यसभा में एक सांसद के नाते, भारत सरकार में हमारे राज्य के प्रतिनिधि के नाते, एक वकील बनकर हम सब लोगों के लिए काम करेंगे, उत्तराखंड की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।